अस्सलामुअलैकुम। मैं सोलापुर शहर का एक आम नागरिक, जो प्रशासन ने एक नया लॉकडाउन का 8 तारीख से 15 तारीख का जो निर्णय लिया है, हम इसका पूरी तरह से निषेध करते हैं। आज सोलापुर शहर के हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन को चाहिए कि जिस तरह से वो लोगों को घरों में बैठने के लिए बता रहे हैं, और मुस्लिम समाज हो चाहे हिंदू धर्म के लोग हो, सब ये बात माने हुए हैं, लेकिन प्रशासन से हम एक विनंती करते हैं कि वो जिस तरह से लोगों को घरों में बैठने के लिए कह रहे हैं, उन्हें घरों में खाने पीने के लिए, उनकी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, उसके लिए भी कुछ नियोजन किया जाए। हम लोग ऐसे विदाउट प्लानिंग वाले लॉकडाउन का निषेध करते हैं, और साथ ही साथ रमज़ान का ये एक पवित्र महीना सोलापुर शहर के मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा महीना है, और इसी महीने में मुसलमान का एक अहम रुकन है सदका, फितरा, ज़कात, ये चीज़ें गरीबों में तकसीम किया जाता है। अगर प्रशासन सिर्फ इन बातों को मद्देनज़र रखकर लॉकडाउन करती है, तो मुसलमान हो या अदर कास्ट के लोग हो, इनकी मदद किस तरह से की जाए। आज हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। सोलापुर शहर के लोगों को खाने पीने काफ़ी तकलीफ हो रही है। लोगों को जिस तरह से लॉकडाउन इन्होंने डाला है, ये लॉकडाउन पूरी तरह से रद्द कर प्रशासन, दत्ता मामा भरने, आमदार खासदार, इन लोगों को चाहिए कि एक मीटिंग लेकर लोगों की सहायता किस तरह से करें, लोगों की मदद किस तरह से करें, वो इस बात पर भी ज़्यादा जोर दें। और जैसा कि इन्होंने इस रमज़ान के पवित्र महीने में कड़क लॉकडाउन का फैसला लिया है, जैसे कि दूध हो, भाजीपाला हो, अब लोग ये भी नहीं खरीदेंगे, तो फिर लोग घरों में खाएंगे क्या? प्रशासन इसका इंतज़ाम करे। आज पूरे सोलापुर शहर का माहौल, पिछले एक हफ्ता पहले बहुत ज़्यादा पेशेंट बढ़ रहे थे कोरोना के, लेकिन आज पहले से बेहतर हालात हैं। ऐसी कौन सी वजह आप पड़ी जो कि आज हमें लॉकडाउन करना पड़ रहा है? लॉकडाउन के लिए हमेशा हम प्रशासन का साथ देते रहे हैं और सहकार्य करते रहे हैं, और आगे भी करेंगे, लेकिन प्रशासन को चाहिए कि एक प्लानिंग के साथ वो लॉकडाउन करें। कुछ लोगों को जो है मतलब टाइमिंग के साथ एक टाइमिंग दिया जाए, जिससे लोग अपनी ज़रूरियात की चीज़ें पूरी मुहैया करें, और साथ ही साथ प्रशासन जिस तरह से लोगों को बाहर निकलने से मना कर रही है, ये लोगों के फायदे के लिए है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन लोग घरों में रहकर खाएंगे क्या, पिएंगे क्या, रहेंगे किस तरह, इस पर भी प्रशासन को चाहिए कि ध्यान दें। और साथ ही साथ मैं हमारे सोलापुर शहर के वासियों से विनंती करता हूँ कि बिना वजह अपने घरों से बाहर ना निकले, और मास्क का ज़्यादा से ज़्यादा मास्क हमेशा इस्तेमाल करें, गर्दी जहाँ पर हो वहाँ पे ना जाएं, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, और जिस तरह से मुसलमानों ने हमेशा से इस देश के लिए आगे होकर काम किया है, जब से देश आज़ाद हुआ उससे पहले से मुसलमानों ने साथ दिया है, ऐसी कौन सी नौबत आ पड़ी कि रमज़ान के आखिरी अशरे में, जबकि मुसलमान गरीबों की मदद करता है, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, तो हम प्रशासन से विनंती करते हैं कि प्रशासन, हमारे जिलाधिकारी माननीय, हमारे आयुक्त साहब पी शिवशंकर साहब, और हमारे कलेक्टर सिद्धि साहब, प्रनीतिताई शिंदे, और खासदार जय सिद्धेश्वर महाराज साहब से विनंती करता हूँ कि इस ताल्लुक से मीटिंग लेकर जल्द से जल्द ऐसा विदाउट प्लानिंग वाला जो लॉकडाउन किया गया है, इसे रद्द करें, और हम इसके लिए निषेध करते हैं। निषेध, निषेध, निषेध। जय महाराष्ट्र। हमारी ईद है, घर में सब छोकरे लोग बैठे ले, औरतें लोग बैठे ले, कारखाने बंद है, रोजी नहीं, रोजगार नहीं, फिर ईद के सामने तुम ऐसा करेंगे? कहाँ से भी हम पैसा दो पैसे मांग के लेंगे, ईद करेंगे, और तुम ऐसा लॉकडाउन डाले तो कैसा होना साहब? पैसे भी नहीं मिल रहे, कुछ खाने को भी नहीं मिल रहा, बच्चों को भी नहीं मिल रहा खाने के वास्ते। हाँ, ये पीछे लो लॉकडाउन, हमारी ईद हो बात तुमको क्या करने का करो। हाँ, वो ये पीछे ले लो, हमारी ईद खुशी से हमको करन दो, घरों में करेंगे हम, हमारे घर में मनाएंगे। बेकार है, हमारे लोग को भी ज्यादा तकलीफ, औरतों को भी, बच्चों को भी, सबको तकलीफ हो रही है, खाने को भी
मोहताज हो सर का हो रहे गरीब गरीब। जब अदमिया की जरूरी बंद है, औरता की जरूरी बंद है, तो खाएंगे क्या हम? तुम कहा तुम महीने को अनाज फ्री में देंगे, वो क्या पुण्य वाला है? 35 किलो 15 किलो चावल, 15 किलो क्यों, उसको क्या यकने लगता? वो भी टेम्पो नहीं मिल रहे, क्या यकने लगता उसके पीछे? देखो ये हमारी है मेहरबानी से, तुम पीछे लो, हमारी ईद करन दो, पैसे दो पैसे में हमें गुजारा करते हमारी। अभी तो फिलहाल बच्चा को कपड़े नहीं, क्या बड़े को कपड़े नहीं, क्या कुछ भी नहीं है। हाँ खाने को नहीं है, और अनाज भी ऐसा भेजे है आज, अनाज वो घी तो इतने बुरे है, कोई भी खा नहीं सकता। हाँ मेहरबानी है, देखो तुम्हारा इतने हमारे, हाँ इसका निषेध करो। जय महाराष्ट्र। जैसे कि 6 तारीख को हमारे सोलापुर के जिलाधिकारी साहब ने जो ऑर्डर निकाला था कि 8 तारीख के शाम से लेके 15 तारीख तक कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा, तो शायद हमें ऐसे लगता है कि जिलाधिकारी साहब ने ये निर्देश शायद कम समझ के निकाला है, पूरे सोच समझ के नहीं निकाला है। बिकॉज अगर हम लोग पिछले साल के आंकड़े देखें तो हम सबको पता है कि लॉकडाउन की वजह से आंकड़े कम नहीं होते हैं, बल्कि लॉकडाउन में कोरोना वायरस के आंकड़े और ज़्यादा बड़े हैं। और सोलापुर के जिलाधिकारी साहब के ही आंकड़ों के हिसाब से पिछले एक हफ्ते में सोलापुर शहर में कोरोना वायरस के आंकड़े कम हुए हैं, मरीज कम हुए हैं, और जो हमारा जो ग्रामीण विभाग है उसके अंदर जो कोरोना वायरस के आंकड़े हैं वो स्टेब्लिश हुए हैं। मतलब आंकड़े बढ़ भी नहीं रहे, कम भी नहीं हुए, बराबर आंकड़े मिल रहे हैं। मतलब हमारे लिए इंडिकेशन है कि ये जो कोरोना वायरस की जो वबा है वो बहुत ही जल्द जाने वाली है। इन दिनों के अंदर हमारे जिलाधिकारी साहब ने जो निर्देश निकाला है कल शाम में कि सिर्फ 2 दिन, मतलब आज का फ्राइडे और कल का सैटरडे, 2 दिन आपको दिए जाएंगे खरीदी के लिए, और सैटरडे शाम से लेके अगले फ्राइडे तक पूरे एक हफ्ते का लॉकडाउन रहेगा। उस वजह से जो एक चीज आज दिखने में आई है, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि आज सुबह 8 बजे से लेके 12 बजे तक जो मार्केट के अंदर किराना शॉप के लिए जो गर्दी हमें दिखने को मिली है, जो सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी तरह धज्जियां उड़ाई गई हैं, इसका कौन जिम्मेदार है? मुझे नहीं लगता कि पब्लिक या जनता इसकी जिम्मेदार है। बिकॉज पब्लिक तो चाहती है कि वो कुछ मार्केट ले, कुछ अपनी गरीबी के हिसाब से 1.5 किलो आधा किलो अनाज अपने लिए खरीद ले, लेकिन अगर एक हफ्ते के लिए पूरा लॉकडाउन किया जाएगा तो लोग भी मजबूर है कि बाहर जाए और कुछ खरीदे। इस वजह से आज जो गर्दी हुई है और जो गर्दी कल होने वाली है, तो मेरे ख्याल से जनता इसकी जिम्मेदार नहीं है, बल्कि हमारे आदेश निकालने वाले हमारे जो जिलाधिकारी साहब है, जो उप जिलाधिकारी साहब है, वो इसकी जिम्मेदार है। तो हम पूरे समाज की तरफ से, पूरी कौम की तरफ से एक लॉकडाउन का निषेध करते हैं, और हम विनंती करते हैं कि उस पर फिर से विचार करें और इसके लिए फिर से एक नया आदेश जारी करें। हो सकता है कि आप लोग जो है मास्क के लिए पूरी तरह से बंदी डालें, या फिर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बंदी डालें, लोगों पे फाइन लगाएं अगर सोशल डिस्टेंसिंग या मास्क का वापर ना होता हो तो। लेकिन लॉकडाउन ये कोरोना वायरस की संख्या को कम करने के लिए सॉल्यूशन नहीं है। हम हमारी पूरी समाज की तरफ से इसका निषेध करते हैं और विनंती करते हैं कि इस आदेश को वापस लें और इस पूरे लॉकडाउन को वापस लें। अगर जरूरत पड़े तो ईद होने के बाद 15 तारीख के बाद ये लॉकडाउन को अप्लाई करें, जिससे सबके लिए आसानी हो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं मोहम्मद रफीक चकोले, अध्यक्ष नवोदय समाज कमल मंडल सोलापुर। आज हमारे दो साथियों ने आपके सामने बोला, और ये जो शासन का जुल्म हो रहा है, ये जुल्म के खिलाफ हम निषेध करने के लिए यहाँ पर आए हैं। और ये जुल्म जो है सभी समाज पर है, सिर्फ मुसलमानों पर नहीं है, ये सभी समाज पर जुल्म है। आप देखना चाहते हैं कि सिर्फ मुसलमान किराना दुकान को जा रहा नहीं, हिंदू समाज भी जा रहा है, हिंदू समाज का भी किराना दुकान वाला है जो कि मुस्लिम समाज की सेवा कर रहा है। ये जो है मुसलमानों पर जुल्म नहीं, बल्कि मानवता पर जुल्म है। ये जुल्म दूर होना चाहिए। और आप देखते हैं, हमको बोलने की जरूरत पड़ रही है कि आप देख रहे हैं दिल्ली से लेकर सोलापुर तक, पूरे लखनऊ से लेकर दिल्ली तक, पूरे मुसलमानों के मस्जिदों में ये जो जो मरीजों के लिए मस्जिदें खुली करके नमाजें नहीं पढ़ रहे, जो के बेड दे रहे, बेड का इंतजाम किया जा रहा है, वहाँ ये नहीं क्वारंटाइन के लिए जगह दे रहे हैं, वहाँ यही नहीं देखा जा रहा है कि हिंदू है कि मुसलमान है। सभी समाज के लोगों को वहाँ पर इंतजाम किया जा रहा है, ये हम अभिमान है। अभी और हिंदुस्तान जब से आज़ाद हुआ, आज़ादी से लेकर अब तक मुसलमानों के हिंदुस्तान के लिए कुर्बानी है, और आगे भी इंशाल्लाह ताला हम कुर्बानी देंगे। और ये भी कहेंगे आपके जो कानून है, बिल्कुल हम असर आंखों पर है, आपके कानून पर पालन करेंगे, जो कि मास्क लगाना है, गर्दी नहीं करना है, बिल्कुल हम मानन पालन करेंगे। लेकिन आप इसके सामने जो 8 दिन का जो लॉकडाउन डिक्लेयर किया है, ये बिल्कुल अन्याय है।
बिल्कुल अन्याय है और इसका मैं निषेध करता हूँ। और ये और इसका इसके जो मैसेज है मैं पंडित ताई शिंदे को भी भेजा हूँ, उन्होंने शायद मीटिंग में उन्होंने इस विषय को लेंगे और पूरे समाज इस पर चाची नगर नहीं बोल के पूरा समाज पूरा कौम इस पर पूरे समाज बोले तो हिंदू समाज भी इसमें शामिल है। ये लोग सब लोग इसका निषेध करें, मैं भी इसका निषेध करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।